कायदेआज़म के इस फरमान को दबाया जाता है कि उन्होंने कहा था कि ये मुल्क बनाया गया है ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए। इस मुल्क में तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो। ठीक है, एक बात तो यह है कि आप लोग जब भी इस मामले में 14 अगस्त में बात करें, 23 मार्च को बात करें, तो इसको दिमाग में जरूर रखें। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, तू जिंदा रहना कयामत के सहर होने तक। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक स्पीच में कहा था, एनी आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया वुड नेवर हैव वर्क एंड इन माय जजमेंट इट वुड हैव लेड अस टू टेरिफिक डिजास्टर। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो हमेशा खिला रहे, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल ना हो। 23 मार्च एक तारीखी साज दिन, 23 मार्च का पाकिस्तान के एक तारीखी शहरी अल्फाज में लिखा गया है। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। अल्लाह का एहसान है हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन।